बहुत दिनों से कॉइन DCX के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन DCX से कोई अदर एक्सचेंज के अंदर सेंड नहीं कर पा रहे हो, और कोई भी अदर एक्सचेंज से आप कॉइन DCX के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर, आप कॉइन DCX से क्रिप्टो सेंड और रिसीव वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो आज की वीडियो में मेन बात करेंगे कि आप कैसे कॉइन DCX से अदर एक्सचेंज के अंदर कॉइन सेंड करोगे और रिसीव भी कर पाओगे। कॉइन DCX के अंदर आपको कैसे जो कि कॉइन DCX के अंदर क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस निकालना है, सारे सब कुछ जो कि डिटेल्स के साथ बात करेंगे। आपका प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके मैं आ चुका हूँ। तो वीडियो को बस कंप्लीट देखो, फिर आप भी कॉइन DCX के अंदर क्रिप्टो रिसीव और कॉइन DCX से क्रिप्टो सेंड सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात कर ले तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम जो कि है, इंडिया का कुछ टैक्स वगैरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको दिखा दे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इथेरियम के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर देखो ट्रिपल डॉट और यहाँ पर सेंड के ऊपर किया क्लिक। यहाँ पर वॉलेट अंडर मेंटेनेंस, उसके बाद आपको दिखाता हूँ रिसीव, और रिसीव के ऊपर किया क्लिक वॉलेट अंडर मेंटेनेंस। आपको जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पर वॉलेट अंडर मेंटेनेंस दिखाएगा। एक और दिखा दे तो स्टाइलर का, तो स्टाइलर का सेंड पे यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस और रिसीव पे भी अंडर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया पे जो कि टैक्स लग रहा है, TDS लग रहा है, इसके वजह से जो कि है यहाँ पर कुछ अंडर मेंटेनेंस वगैरह के अंदर चला गया है। अपडेट वगैरह हो रहा है कि कैसे आपका TDS कटेगा, सब कुछ यहाँ पर अपडेट वगैरह हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो कि अंडर मेंटेनेंस पे है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या रहेगा, आप कैसे कॉइन DCX से कोई भी अदर एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो सेंड करोगे या फिर कॉइन DCX के अंदर कैसे रिसीव करोगे। तो देखो, सारे कॉइन पे जो कि पहले तो आप जो कि सेंड और रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत दिनों से चल रहे हैं, और कुछ कॉइन के अंदर अभी जो कि ठीक हो चुका है, जिसके अंदर आप जो कि क्रिप्टो रिसीव और सेंड कर सकते हो। तो पहला जो कॉइन है जिसका मेंटेनेंस हट चुका है, उसका नाम है BTC, मतलब बिटकॉइन के अंदर अभी मेंटेनेंस नहीं, यहाँ पर आप बिटकॉइन सेंड कर पाओगे आराम से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इसका ट्रांजेक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। तो कम ट्रांजेक्शन फ़ी वाला जो कि आपको जो कॉइन है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आप रिसीव नहीं कर पाओगे, रिसीव अभी तक अंडर मेंटेनेंस के अंदर है। तो सेकेंड जो कॉइन है वो जो कि यहाँ पर TRX यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। TRX आप आराम से सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर TRX सेंड, यहाँ पर मिनिमम जो कि आप जो कि बहुत कम अमाउंट का जो कि ट्रांसफ़र भी कर पाओगे और बहुत कम अमाउंट रिसीव भी कर पाओगे, और यहाँ पर जो फ़ी कटेगा वो जो कि 1 TRX कटेगा, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर फ़ी कटेगा। 1 TRX अभी 5 से 6 रुपये होगा या फिर उससे भी कम होगा, मैंने देखा नहीं। आप जो कि यहाँ पर से आराम से TRX वगैरह सेंड कर सकते हो और यहाँ पर रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस देखिए आपको मिल जाएगा, तो आप सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हो। यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। TRX के अंदर अभी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, आप TRX को आराम से यूज़ करिए, ठीक है। एक और जो कि कॉइन है जिसको आप सेंड और रिसीव कर सकते हो, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही हाई है, मतलब इसका जो ट्रांजेक्शन फी है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो उसका नाम है जो कि USDT, लेकिन यहाँ पर देखो USDT जो कि यहाँ पर ये जो कि इथर का ऊपर चल रहा है, ठीक है। इथर मतलब ERC20 जो एड्रेस है ना उसके ऊपर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फी लगता है। ट्रांसफर पर देखिए यहाँ पर 20 USDT कटेगा, और यहाँ पर रिसीव करोगे तो यहाँ पर रिसीव जो कि आपको ERC20, यहाँ पर देखिए ERC20 एड्रेस के अंदर रिसीव करना पड़ेगा। अगर TRC करोगे तो आपको क्रिप्टो हवा में गायब, तो आप ध्यान में रखना अगर USDT रिसीव करोगे तो। और मेरी बात मानो तो, अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, रिसीव सेंड वगैरह कुछ करना है, तो ट्रोन का यूज़ करो। ट्रोन बहुत ही कम फी के अंदर यहाँ पर सब काम करता है, ठीक है। तो वीडियो देख के अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ, मैं उसका सोल्यूशन लेके वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए।